हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करती बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कम ऑयली में और बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट मुलायम मैं पूरी बनाने की पूरन पूरी बनाने की बता रही हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और वीडियो कहाँ तक देखते रहिए। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कितना मुलायम और बढ़िया, कितना अच्छा बना हुआ है। तो वीडियो कहाँ तक देखते रहिए दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, यहाँ मैं चने के दाल ले ली हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं इसी कटोरी से नाप के इसको भीगने के लिए रखूंगी। इस पतीले में मैं डाल दे रहा हूँ एक कटोरी दाल। इससे क्या होगा, इसमें पानी डाल के मैं इसको फूलने के लिए रख दूंगी 2 घंटे के लिए। तो मैं इसमें पानी डाल दे रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल झटपट बनने वाली। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं 2 घंटा हो गया, ये दाल मेरा अच्छी तरह से कितने बढ़िया से सॉफ्ट फूल गया है बिल्कुल। तो मैं पानी से बाहर निकाल ले रही हूँ दोस्तों दाल को। इससे अच्छी तरह से बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। तो मैं इसे गैस पर रख रही हूँ कढ़ाई। इसमें 2 चम्मच के लगभग तेल डालूँ सरसों का, और 1/2 चम्मच जीरा डाली हूँ, और ये लहसुन कुछ कली है, और 2-3 मिर्चा हरा। तो मैं इसी में दाल डाल दे रही हूँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। पहले मैं इसको भूनूंगी अच्छी तरह से घलने तक। तो मैं इस तरह से चला चला के इसको मिक्स कर दे रही हूँ। तो बिहारी का, बिहार स्टाइल का बहुत ही बढ़िया फेमस रेसिपी है दोस्तों। बिहार में अक्सर कर बनता है, यूपी में बनता है, और खाने में बहुत बेहतरीन लगता है। तो मैं देखिए इसमें थोड़ा सा अदरक ग्रेट करके रखी थी, वो तो मैं डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा मैं 1/2 चम्मच के लगभग हींग मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ, और थोड़ा सा मैं पानी भी डाल रखी हूँ ताकि इसको अच्छी तरह से पकने दूंगी। यहाँ स्वाद अनुसार नमक भी डाल दे रही हूँ। तो देखिए पानी थोड़ा सूख गया दोस्तों, इसे ज़्यादा पकाना नहीं है दोस्तों। 100% में मतलब 80% इसको कुक करना है, ज़्यादा गलाना नहीं है, नहीं तो स्टफिंग बढ़िया नहीं बनेगा इसका। आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा ना गले ना कच्चा रहे बिल्कुल। तो इसको मैं सिलवट्टे पर दोस्तों अच्छी तरह से धो के साफ कर ली हूँ। सिलवट्टा आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल साफ है। तो मैं भूख लेती हूँ इस पर, अच्छी तरह से इस पर मैं पीस लूंगी दाल को थोड़ा थोड़ा रख के। तो दोस्तों, ये दाल को गरम ही पीसना होता है वरना ठंडा हो जाएगा। तो देखिए इसे गरम मैं चम्मच से थोड़ा सा आगे मैं साइड कर ले रही हूँ। तो थोड़ा गरम रहता है दोस्तों तो अच्छी तरह से पिसा जाता है, और ठंडा होएगा तो पिसाएगा नहीं बढ़िया से। आप लोग देख सकते कितना बढ़िया हमारा दाल पिसा रहा है। मैं इस तरह से कर कर के सारे दाल को इसी तरह से मैं पीसूंगी, और मैं निकाल ले रही हूँ, उठा दे रही हूँ इसी बर्तन में मैं रख दे रही हूँ। तो मैं सारे दाल को इस तरह से भूकूंगी, और इसमें तो खाना बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों खाने में। तो इस तरह से सिलवट्टे पर पीसने से, आप लोग मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं, लेकिन बढ़िया से पिसाता नहीं है दोस्तों, इसके सिलवट्टे पर ही पीसा जाता है। तो बराबर से पिसा जाता है, एक भी दाना खड़ा नहीं रहता है। आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया पाउडर बना हुआ है। तो मेरा सारे दाल पीस गया, आप देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा धनिया की पत्ती काट के रखी हूँ दोस्तों पहले से ही। तो इसमें मैं मिक्स कर दे रही हूँ, इससे क्या होगा बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे। तो मैं मिक्स कर ले रही हूँ इस तरह से हाथ से, और थोड़ा सा दोस्तों आप लोग नमक भी देख सकते हैं कि नमक है कि नहीं है, आप लोग कम बेसी कर सकते हैं अपने स्वाद अनुसार के। तो इधर मैं आटा लगा के पालिश रखी थी दोस्तों, गेहूं का आटा, ये जो रोटी नॉर्मल बनाते हैं घर में वही आटा मैं लगा कर रखी हूँ। तो मैं इस तरह से बड़े बड़े थोड़ा सा लोई काट ले रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं सारे इस तरह से लोई काट काट के इसको पहले स्टफिंग भरूंगी। तो मैं दिखा रही हूँ आप लोग को, देख सकते हैं किस तरह से इसको दोनों हाथ से इस तरह से करना है।
उंगली के सहारे से। अब बीज का प्रोसेस थोड़ा मोटा ही रहेगा दोस्तों, ना फटेगा ना फूटेगा और बिल्कुल फूली फूली आराम से बढ़ेगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा से। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से स्टफिंग कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा ही भर रही हूँ ताकि खाने में और टेस्टी लगेगा। तो इस तरह से हाथ से इसको फोल्ड करते हुए इसको पैक कर देना है। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से मैं दिखा रही हूँ। तो इस तरह से मैं सारे को इसी तरह से बनाऊँगी बिल्कुल। तो मैं इस तावे पे मैं बना रही हूँ दोस्तों, देख रहे हैं आप लोग, मैं तावा रख दी और एक पूड़ी ली और ये आटा सूखा लगा के बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों बेला जाता है बिल्कुल। थोड़ा हल्का बेलन से इसको जितना बड़ा बेलना चाहेंगे बेला जाएगा बढ़िया से अच्छे से। लोग देख सकते हैं एकदम बिल्कुल रोटी इतना पतला हुआ है और फटे फूटेगा नहीं दोस्तों। और मैं इस तवे पे डाल दे रही हूँ तो कम वॉल्यूम में दोस्तों बहुत ही अच्छा ही पूड़ी बनता है और डीप फ्राई भी कर सकते हैं आप लोग। लेकिन इसे मैं इस तरह से घी लगा दे रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं इस पे। तो देसी घी से बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है दोस्तों। इस तरह से मैं देखिए इस तरह से पोत दे रही हूँ, इस पे हल्का हल्का लगा दे रही हूँ। फूलेगा तो बिल्कुल फूलेगा दोस्तों अपने आप ही और बहुत ही टेस्टी स्वाद लगेगा खाने में। तो मैं एक नहीं दो तीन बना कर दिखा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं कोई फटा फूटा नहीं है और बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों बनाने की। तो ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा दोस्तों और कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कैसा है पूरी बना हुआ है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो दोस्तों इसके साथ आप लोग खीर से भी इंजॉय कर सकते हैं और चाहे कोई सब्जी ग्रेवी वाली हो, सब्जी सूखी सब्जी हो, सबसे अच्छा लगता है। तो सर्दियों के मौसम में बनाना खाना बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए मैं तो हमारे सारे पूरी फूली फूली से ऐसे बन रही हैं। तो इस तरह से देखिए मैं खुद दिखा रही हूँ कि इस तरह से इतना सारे कितने मुलायम सब बना हुआ है, कितने सॉफ्ट मुलायम है, बिना दांत के आदमी भी खा सकते हैं। और स्टफिंग तो देख रहे हैं इसमें बहुत ज़बरदस्त है, अच्छा लग रहा है देखने में दोस्तों। इस तरह से पूरे पूरी में फैला हुआ है। तो मैं इस तरह से रख दे रही हूँ और मैं सूखी सब्जी बना रखी हूँ इस तरह से, इससे भी अच्छा लगेगा खाने में। तो मैं सर्व कर दे रही हूँ। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। हम मिलते हो अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।